तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे पावर बीआई के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था पावर बीआई क्या है, कहां से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, आईडी साइडी कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट वगैरह क्या बनाएंगे, विजुलाइजेशन क्या है, कैसे डेटा कनेक्ट करेंगे, इन सबों के बारे में हमने बताया। हमने बताया कैसे एक फील्ड से मतलब एक फाइल से डेटा को आप लेके आएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी सर्वर से डेटा को लेके आएंगे और बाकी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं ताकि आप देख सके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास डेटा जो पड़ा है वो डेटा पड़ा है SQL सर्वर पे। ये SQL सर्वर का मेरा ये है डेटाबेस है। तो SQL सर्वर के किसी एक डेटाबेस में मेरा डेटा पड़ा हुआ है, हम कैसे उस डेटा को इंपोर्ट करेंगे एक्सेल के इसके पावर बीआई के ऊपर, वो भी लाइव कनेक्शन के साथ। तो मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ, मेरे पास इसमें कई सारे डेटाबेस हैं। यहाँ मैं आईपीटी पे आता हूँ, आईपीटी में टेबल एक देखिए इसको समय क्या होता है, पहले सर्वर होता है, सर्वर के अंदर डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है। तो ये देखिए हमारा डेटा है, मैंने राइट क्लिक करके सेलेक्ट 1000 कर दिया मैंने, तो यहाँ मुझे इसका डेटा मिल जाएगा। एक बार डेटा देख लेता हूँ ताकि इंपोर्ट करेंगे तो पता चलेगा क्या हमने इम्पोर्ट किया है। ये डेटा है जो आप देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं नोटपैड में या फिर एक्सेल में, आफ्टर दैन जो है उसको इसमें अपने पावर बीआई में या एक्सेल यूज करते हैं। लेकिन मैं लाइव कनेक्शन चाहता हूँ, कैसे? यहाँ गेट डेटा पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने वेलकम विंडो से ही कर लिया। और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे तो फाइल है, यहाँ पे और भी है, यहाँ से मैं SQL ले सकता हूँ, लेकिन मैं डेटाबेस में आ जाता हूँ डेटाबेस। और इसमें हम SQL सर्वर डेटाबेस को सिलेक्ट किया, SQL सर्वर डेटाबेस को, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछता है सर्वर आईडी। तो सर्वर आईडी क्या होगा, आपने देखा जब मैंने कनेक्ट किया था, एक बार डिस्कनेक्ट कर पाऊं, वापस कनेक्ट कर पाऊं, तो ये आपका सर्वर नेम है। सर्वर नेम में आईपीटी तो हमारा सर्वर नेम है, बट ये जो डेस्कटॉप और ये जो दिख रहा है ये हमारा कंप्यूटर नेम है, या पास कह सकते हैं। देखिए SQL सर्वर दो तरह का होता है, एक होता है लोकल होस्ट और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। तो मेरा तो लोकल होस्ट है, मतलब कि जो सर्वर मेरे इसी पीसी में इंस्टॉल है, लेकिन कंपनी में सर्वर एक सर्वर पे इंस्टॉल होता है और क्लाइंट सर्वर के जरिए हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो पाथ वहां भी होता है, तो पाथ होना जरूरी है। तो पूरा पाथ और डेटाबेस को हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पावर बीआई में हम आते हैं। उसके बाद डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे आईपीसी डाल दिया। डेटाबेस इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट क्यूरी नहीं करना है, डायरेक्ट क्यूरी रन नहीं करना, इंपोर्ट करना डायरेक्ट। ओके, तो इसके अंदर इतने सारे टेबल्स है, आपने देखा ना टेबल्स दिखाया था, इसमें डेटा टेबल्स है, तो डेटा बेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। लोड करना है, ये हमारा डेटाबेस। एक बार डेटा को एक नजर देख लीजिए, अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करना है तो ठीक है, अदरवाइज सीधे यहाँ पे लोड। लोड हो रहा है,
तो यहाँ देखिए सारे के सारे स्किल्स आ गए। यहाँ अगर हम डेटा लेयर में जाते हैं तो स्लो चलता है क्योंकि डेटा बड़ा है ना, और स्किल्स रिफ्लेक्टेड है, दो दो बड़े बड़े एप्लीकेशन स्किल सर्वर या पावर बे दोनों खुला हुआ है, तो थोड़ा सा स्लो तो चलेगा ही चलेगा। आपके सामने आ गया डेटा हमारा। अब इसमें जैसे कि हमें बताया था कि यहाँ पे सैंपल से पता चल जाता है कि कौन क्या है। जैसे कॉल्स के आगे इस सम ऑफ का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो नंबर्स है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बाकी सारे नंबर्स है। अब प्रोडक्ट हो गया, रीजन हो गया, ये क्या है, इसका ये कुछ नहीं मतलब कि टैक्स है। उसके अलावा यहाँ आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू पर आवर है, सेल्स डेट। अब डेट कैलेंडर का बन के आ गया, मतलब कि यहाँ जो है आपका डेट है और डेट को इसके पार्ट कर दिया, तो मंथ ईयर डे, तो आप अपनी रिपोर्ट इसी से लगा सकते हैं। सेल्स हो गया, टीम हो गया, टीम मेंबर हो गया, टोटल हो गया, ये सारी चीजें आपके सामने दिख गया। अब प्रॉब्लम कभी कभी होती है, जैसे कि डेट ही ले लीजिए। अब जो ये डेट था, डेट हो गया, बट आप चाहते कि डेट जो है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स डेट है, डेटा टाइप डेट है, तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको टेक्स्ट कर देता हूँ। तो कभी कभी जब इंपोर्ट हम डेटा करते हैं तो जो जो जैसे यहाँ पे आपका एसक्यूएल सर्वर में जो डेट यहाँ ये था, अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, ये जो आपका डेट का जो कॉलन है, तो एसक्यूएल सर्वर के डेटा में आप जाते हैं, इसमें आईपीसी मैं दिखाता हूँ आपको टेबल। तो एसक्यूएल सर्वर का जो एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस डिजाइन हुआ था, उसमें डिजाइन मोड पे आता हूँ, डिजाइन मोड में जो डेट है उसको डेट डिक्लेयर किया गया। गलती से अगर डिक्लेयर हो जाता एनकैर, मतलब कि टेक्स्ट डिक्लेयर हो जाता, तो फिर आपके इस पावर बीआई से एक टेक्स्ट जो अभी दिख रहा है ना, इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में आता। और टेक्स्ट फॉर्मेट में आने से क्या होता है कि इसको क्लब मंथ वाइज वगैरह जो है, मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, इसको आप क्लब नहीं कर पाते। तो आप यहाँ से अपना कॉलम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से टेक्स्ट की जगह पे हमने डेट डाल दिया, याद कीजिए, अब ये डेट में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ डेट में कन्वर्ट हुआ। अब फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में आप देखिए इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है। आप चाहते हैं नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट आना चाहिए हमारा, इस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए, ईयर मंथ और डे। अब सेलेक्ट कर लीजिए आपका उसी तरह का फॉर्मेट यहाँ पे डेटा में दिखेगा, बट डेट होगा। बट आपके डेटा में डेट एंड टाइम दोनों है, तो यहाँ पे टाइम कंसिडर नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से अगर डेट एंड टाइम दोनों है तो डेट एंड टाइम दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से डेटा टाइप को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि रीजन, रीजन क्या है, अभी टेक्स्ट है, तो हम यहां से टेक्स्ट के जगह पे यहाँ टेक्स्ट ही रहने देते हैं। यहां पे आपको देखा डेटा कैटेगरी टेक्स्ट है, बट टेक्स्ट के अंदर भी कैटेगरी है सर। यहां देखिए कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है, एड्रेस है, पैलेस है, सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, क्या है, लंगीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, या किसी वेबसाइट का यूआरएल है, या बार कोड है, ये चीजें डिफाइन किया जा सकता है। समझ गया। तो हमने बोला कि एक स्टेट है। अब स्टेट करने से देखिए यहाँ पे मैप का साइन आ गया। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जब मैं अपने स्टेट, मान लीजिए कि मैं एक मैप चार्ट ले रहा हूँ, मैप चार्ट लिया तो बड़ा कर रहा हूँ, जब मैं इसमें अपने रीजन को उठा कर रखूंगा और इसमें रीजन में मान लीजिए मैं कर देता हूँ टोटल रेवेन्यू भाग देता हूँ, तो जो जो स्टेट था वो यहाँ देखिए हाईलाइटेड है ना। अब इसमें जो है लंगिट्यूड है लेजेंड, लेजेंड में मैं टोटल को उठा के मैं लेजेंड पे रख देता हूँ, इससे डिफरेंट डिफरेंट कलर आपके पास आ गया, यहाँ पे दिखा है ना ऊपर, जैसे
लेकिन लेजेंड के लिए रखता हूँ, कूल चीज के लिए रखता हूँ। कलर आ रहा है इसी में आपके सामने मैथ है, अगर मैं ये मैथ कर दिया तो जिसका जितना वाला वैल्यू उतना बड़ा डॉट्स आएगा। तो दो मैथ यहाँ पे दिए हुए हैं और भी मैथ की बहुत सारी फॉर्मेटिंग है जो कि हम आगे क्लास में डिस्कस करें। तो जियोलॉजिकल डेटा में प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए ना कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने स्टेट ही देते हैं तो अपने स्टेट में बहुत सारे ऐसे स्टेट है, पटना ही ले लीजिए ना, पटना इंडिया में भी है और पटना एक इंग्लैंड में भी है, तो कंफ्यूज हो जाता है और कुछ अलग अलग कंट्री का लोकेशन ले लेता है। तो वहां पे हम एग्जैक्ट लोकेशन के लिए लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ बताना पड़ता है कि क्या होना चाहिए। तो अभी आपने सीखा कि किसी एसक्यूएल सर्वर से एसक्यूएल डेटाबेस से किस तरह से डेटा को इम्पोर्ट करेंगे इसके अंदर पावर बीआई के अंदर, और कैसे हम अपने इंपोर्ट की गई डेटा का फॉर्मेटिंग करेंगे, उसका डेटा टाइप और डेटा की कैटेगरी हम चेंज करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? हेलो, यस सर, क्लियर है। अब बात करते हैं, जब रिपोर्ट बनाएंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का रिपोर्ट हमें बनाना है, ये चीजें पता होना चाहिए, समझ गए? अगर ये चीज पता नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम आपके साथ विजुलाइजेशन को करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इस स्कैट बार चार्ट के बारे में। अब स्कैट बार चार्ट के चक्कर में इसका क्या चक्कर है आपको बताता हूँ, लेकिन इसको पहले हम पहले डेटा को टेबल फॉर्मेट में रखते हैं। जैसे कि मैंने अपना रीजन उठा के यहाँ रखा, तो सारे रीजन आ गए। रीजन के नीचे मान लीजिए हम इसमें अपना टीम उठा कर रखते हैं और फिर अपना सेल्स रखते हैं। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा है तीन फॉर्मेट में, इसमें क्या हुआ कि पहले अंबाला की टीम ए, अंबाला का टीम बी, अंबाला का टीम सी, अंबाला का टीम, इस तरह से बहुत सारे आ गए। फिर कैलिफोर्निया, फिर बाकी जो भी फ्लोरिडा, सब इस तरह से फॉर्मेट में दिख रहा है। बट इसी को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रख देते हैं कि आपका इस तरह से रिपोर्ट में दिखेगा। ओके, अब यहीं पे अब देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर ये आपका जो है कॉलम चार्ट है, कर्सर कॉलम चार्ट है, अगर इसको कर्सर कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दिक्कत क्या होगा कि जितने कॉलम उतने आपको यहाँ चार्ट दिखेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना सर। इसको मैं एक बार एक्सेल पे समझाता हूँ आपको, क्योंकि एक्सेल फैमिलर है ना, समझ में जल्दी आएगा। जैसे कि ये देख लीजिए ना, मैं यहाँ पे रैम बिकने का फॉर्मूला लेता हूँ, 10.9। अब जैसे कि मई तक है, तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में और कॉलम चार्ट ले लिया, जो स्टैक कॉलम चार्ट होता है वो ले लिया, तो क्या होगा, कितने बार बढ़ेंगे मंथ, पूजा, पूजा का पूरा मंथ दिखाया, नीरज, नीरज का पूरा मंथ दिखाया, कविता, कविता का पूरा मंथ दिखा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मंथ 12 हुए या मंथ के जगह पे प्रोडक्ट हुए और काफी सारे हुए तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इतने बड़े ज्यादा बार चार्ट बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको कंपेयरिंग करनी है मंथ बाय, तो इसको हम लोग यहाँ स्कैट चार्ट में लेते हैं। इससे क्या होता है कि जितने कॉलम होते हैं ना उतने ही चार्ट यहाँ प्रिपेयर होते, उतने ही लाइन प्रिपेयर होते हैं, कॉलम प्रिपेयर होते हैं, उतने ही कॉलम को प्रिपेयर किया जाता है और उस कॉलम के पार्टीशन होते हैं। तो सेम चीज आपकी पावर बीआई में भी है, अगर आपने इसको लिया तो उतने कॉलम बन गया, उस कॉलम के पार्ट हो। अब इसमें जैसे देखिए नीचे रीजन है, रीजन है, और रीजन के अंदर में आपके क्या है, रीजन के अंदर में आपका कॉलम है, इसको स्वेप कर सकते हैं यहां से एक्चुअली। तो हमने टीम को नीचे रख दिया, ये नहीं आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाइए और टीम को ऊपर रखिए,
और फिर रीजन को इसके नीचे रखिए। स्वेप हो गया, टीम वाइज आ गया, तो आप अपनी हिसाब से इसको स्वेप कर सकते हैं। क्लियर है? विदाउट इसमें सर अगर इसी पे डाटा लेवल देना है तो क्या रहेगा उसका? देखिए हाँ, डेटा लेवल देना है, फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ आपको मैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। चले, समझ में आ गया ना आपको सर? हाँ सर, ये तो और यहाँ पे इसके हेडिंग्स आपको आ जाते हैं, और यहाँ आपके वैल्यूज है, जो वैल्यूज आप डाल सकते हैं। इसमें भी आप दो फील्ड डालेंगे तो फिर दो लाइन क्रिएट हो जाएगा, तो इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है? सम आया है। सम की जगह पे आप जो है सबसे पहले इसको एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियम या कोई और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, वो चीजें आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और मूव भी कर सकते हैं लेजेंड एंड टूल टिप में, जैसे आप वहां से उठा कर रखें, उससे अच्छा इसको मूव किया जा सकता है। सर तो साइज के अंदर कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको? ओके, अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। यहां आपके सेकेंड टैब जो दिख रहा है वो फॉर्मेट का टैब दिख रहा है, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग वाले टैब पे चलते हैं। सबसे पहला आता है जनरल। जनरल में यहाँ पे रिस्पॉन्सिस, यहां देखिए, यहां दिखेगा, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको दूसरे कारण बताऊंगा मैं आपको। इसका पोजीशन, ये पोजीशन एक्स पे कितना होना चाहिए, वाई पे कितना होना चाहिए, देखो चेंज हो रहा है ना। हाइट क्या होना चाहिए, हाइट एग्जैक्ट हाइट चाहिए, तो आप कम और ज्यादा यहां से करते हैं, लेकिन आप यहां से एग्जैक्ट नंबर हाइट चाहिए यहां दे सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट में एंटर द डिस्क्रिप्शन, चार्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहां पे, जैसे कि हम यहां डाल देते हैं सेल्स टीम विथ रीजन, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो एक चीज है, जब कर्सर जाता है ना तब दिखता है रिपोर्ट में, जब कर्सर जाएगा तो दिखता है, डिस्क्रिप्शन में आता है। इसमें फंक्शन भी लगा सकते हैं, आगे हम इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूला वगैरह भी इसे दिया जा सकता है, ये हम बाद में बात करेंगे आपको, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। लेजेंड पे टॉप में, लेजेंड में आपका ये टॉप पोजिशन पे होगा, इसको आप बॉटम तो पोजीशन भी कर सकते हैं, मतलब लेजेंड समझे, ऊपर इसका हेडिंग आ रहा है, इसको आप बॉटम पोजीशन भी कर सकते हैं, बॉटम आ चाहिए, या चाहते कि दिखे ही ना, ये जो चीजें आप चाहते दिखे ही ना, इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं। उसी तरह से टाइटल भी सेम है लेजेंड के अलावा, यहाँ पे एक्सिस है, ये एक्सिस में जैसे ये एक्सिस आपका दिख रहा है, इसका और इसके नीचे का एक्सिस क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है। उसके बाद आता है डेटा कलर। डेटा कलर में जैसे कि इसके डेटा का क्या क्या कलर होना चाहिए, अलग अलग रीजन की अलग अलग कलर है जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन करके। उसके बाद आता है डेटा लेवल, अब ये ऑफ है, इसे ऑन करेंगे, आ गया डेटा लेवल सर, इसने पूछा था डेटा लेवल का कलर क्या होना चाहिए, यूनिट में ऑटो होना चाहिए या फिर थाउजेंड मिलियन बिलियन बिलियन होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे होगी तो ओवरराइट हो जाएगी ना, तो यहाँ से आप अपना यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। पोजिशन हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। पोजीशंस ऑटो होगा या इनसाइड एंड होगा या आउटसाइड होगा या सेंटर होगा, आप यहाँ से ये कर सकते हैं।
और ओवरफ्लो टैक्स होना चाहिए या नहीं? ओवरफ्लो टैक्स समझे, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत छोटा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रही है। आप चाहते वैल्यू दिखे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या टैक्स की साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। टैक्स का फॉर्मेट होना चाहिए, तो बैकग्राउंड ऑफ है, ऑन करेंगे तो इस डेटा का बैकग्राउंड भी, इस लेवल का बैकग्राउंड भी दिखेगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी हटा सकते हैं, और यहाँ पे अपना प्लॉट प्लॉट एरिया की ट्रांसपेरेंसी, या पीछे बैकएंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इमेज की ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइट दिखे ना, तो ट्रांसपेरेंसी को ओके। जिस तरह से टाइटल, ऊपर जो टाइटल दिख रहा है टाइटल दिखना चाहिए, या टाइटल कुछ और होना चाहिए, टाइटल में फॉर्मूला लगाना चाहते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या रैप टेक्स्ट होना चाहिए, तो टाइटल बड़ा हो तो टूट के नीचे आना चाहिए या नहीं? सॉरी सर, म्यूट हो गया था। उसके बाद यहाँ आपका फॉन्ट कलर है टाइटल का, टाइटल की अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिया गया है। लॉक पोजीशन छोड़ दीजिए, यहाँ पे बॉर्डर हो गया, शैडो हो गया, टूल टिप्स हो गया, टिप्स वगैरह डालना है तो क्या टाइप करना है उसका डाल देते हैं, और विजुअल बैकग्राउंड वगैरह दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, विजुअल में सही होता है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग बैक पे कीजिए। इसमें दो चार्ट है, ये आपका ए स्टैक कॉलम चार्ट हो गया, ये आपका स्टैक बार चार्ट हो गया। दोनों चार्ट पे आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें। एनालिटिक्स में अगर आप बात करते हैं, तो जो मैं बताया था कल के एनालिटिक्स जो है डेटा के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पे ये आ गया कॉन्स्टेंस लाइन। एनालिटिक्स में क्या दिख रहा है आपको, कॉन्स्टेंस लाइन, इसको आप ऐड कर सकते, कॉन्स्टेंस लाइन जो है ऐड हो जाएगा। वैल्यू हमने बोला यहाँ पे 100, लाइन का कलर हमने बोला ब्लैक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं। आपको नीचे लाइन दिख गया ना, ये था यहां से, और लाइन में डैश होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए या होना चाहिए डॉटेड, यहां से आप डिसाइड कर सकते। और इस पे डेटा लेबल चाहिए, हाँ डेटा लेबल चाहिए, ये फॉर्मेटिंग। तो पावर बीआई में अब ये दो चार्ट का इस्तेमाल करें, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग है, उसको चेंज करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम बात करेंगे अगली चार्ट की। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो।